तो आपकी शादी को कितने साल हुए? हमारी शादी को एक साल हो गया। हमने ये अगस्त में एक साल कंप्लीट किया। अगस्त में एक साल कंप्लीट किया। थैंक यू। अभी शादी के सिर्फ 15 दिन बाद हम लोग अलग अलग रहना शुरू हो गए थे। सिर्फ 15 दिन मेरे को 15 दिन की छुट्टी मिली थी ऑफिस से। तो फिर सोचिए एक साल तो हनीमून में निकल जाता है। राइट तो 15 दिन के बाद हमें नहीं मिला। अभी वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे फ्री रहता है तो मेरा ही मोस्टली जाना रहता है। फ्राइडे को फ्लाइट लेती हूँ, मंडे अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता है क्योंकि आफ्टरनून से शिफ्ट रहती है। तो ऐसे चलता है ये सिलसिला। अभी 6 महीने से शुरू हुआ है। पहले मैं जलंधर में जॉब करता था। तो आप बेसिकली जलंधर से? हाँ, बेसिकली मैं जलंधर से हूँ। अच्छा, पंजाब। तो आपकी फैमिली वगैरह पूरी जलंधर? जलंधर में। और आपकी फैमिली कहाँ? मेरी फैमिली भी पंजाब में है। तो दिल्ली कब आई थी आप काम के सिलसिले में? जॉब के लिए, फिर उसके बाद मूव ऑन होते गए। ओके 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 ओके। इनकी कहानी तो बहुत सुननी पड़ेगी। बहुत मजेदार है। जी तो आप बताइए आपके बारे में। मेरा नाम दिलीप दीक्षित है और मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर और प्लानर हूँ। मेरा नाम स्मिता दीक्षित है और मेरी बर्थ प्लेस हरिद्वार है। मैं बाई प्रोफेशन आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। अगर आप मेरे से पूछें इनके बारे में, जो एक चीज़ में बहुत अच्छी लगती है कि दिलीप के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और एक चीज़ जो मुझे खटकती है कि मैसी है। इनकी जो बड़ी अच्छी एक प्लस पॉइंट है कि एंथुजियास्टिक बहुत हैं। जो बुरी चीज़ थोड़ी सी है वो कि इनको कई कई चीज़ों के लिए पुश करना पड़ता है। मैं बॉम्बे में रह रही हूँ और ये दिल्ली में रह रही हूँ। आप मुंबई में रह रही हैं। हमको ये फैसला शादी के करीब, आप मान लीजिए 11-12 साल में लेना पड़ा। अच्छा, ओके। जिसमें कि हमें लगा कि मेरे हर करियर मूव के साथ फैमिली को मूव करना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीमती जी का भी अपना एक एंगेजमेंट है, उनका अपना जॉब था उस समय जब हमने ये लिया डिसीजन, बच्चों की अपनी स्टडीज थी। तो ऐसा सोच करके ये एक स्टेप लिया था। ये 2013 में मूव किया था। अच्छा, 3 साल पहले। लगभग 3 साल तो हो गए। जब शादी हुई थी तो कौन से सिटी में थे आप? दिल्ली। दिल्ली में थे। दिल्ली में थे। सबसे पहले ये बताइए अपनी शादी कैसे हुई? पहले मैट्रिमोनियल मैरिज रहते थे तो मेरा ऐड आया था उसमें। तो दिलीप के पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया। जनरली क्या होता है ना, लड़के वाले आते हैं। हाँ, हाँ। और यहाँ के हम लोग पहुँच गए। हाँ। तो पहली बार दिलीप से वहाँ मिले तो दिलीप अंदर कमरे से आए मिले, तो ये थोड़ा रोल रिवर्स हो गया कि वो आ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं और हम लोग लड़की देख रहे हैं। मतलब उल्टा हो गया। तो शर्मा के वो आ रहे थे बाहर, शर्मा के बाहर वो आ रहे थे और आप ऐसे बैठे थे। अब बाबी बैठी थी, आप कहाँ है लड़का? अच्छा, ये है लड़का। वो रेडी वेडी होके आए अच्छे से। दो तीन दोस्त लेके आए क्या, कि वो सहेलियां लेके आती है, माँ बुआ लेके आती है? उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैं इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे साइड में बैठा हुआ था, मेरे को मतलब वहां से दिख रहे थे, स्मिता दिख रही थी और स्मिता की सिस्टर, दोनों बैठी हुई थी। तो सिस्टर ने ऐसे किया, तो स्मिता ने आप बताइए, आप अगर उनको कुछ धन्यवाद देना चाहें या कुछ कहना चाहें? मैं तो ये कहूंगी आई लव यू, थैंक यू सो मच। मेरा ये है कि इनको शादी से पहले, लव मैरिज है तो शादी से पहले इनको पता था कि ये करियर ओरिएंटेड है, ये नेशनल एंकर बनना चाहती है, जो इन्होंने बनने दिया, मौका भी मिला मुझे। मैंने अभी बनने दिया, तुम्हारी मेहनत है वो। अभी मेरा ये है कि अभी मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं एंकर प्लस एक्टर बनना चाहती हूँ, जो इनका फील्ड है वो भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मैं ट्राई भी कर रही हूँ। तो मुझे कभी भी किसी भी पॉइंट पर, लाइफ के किसी भी मोमेंट पर ऐसा नहीं लगा कि मुझे दबाया जा रहा है, मुझे खींचा जा रहा है। फैमिली की तरफ से भी, मॉम हैं, डैड हैं, भैया हैं, भाभी हैं, हालांकि परिवार में थोड़ा सा माहौल वैसा है कि कभी भी किसी भी बहू को इतनी आज़ादी नहीं दी गई कि वो कुछ करे, बाहर रहे, लेकिन हमारा ये फैसला था, उन्होंने वेलकम किया। उनको भी पता था कि लड़की आने वाली है हमारे घर में, तो उन्होंने खुले दिल से वेलकम किया मेरा कि हाँ तुम जो करना चाहते हो, तुम दोनों साथ रहना चाहते हो रहो, तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते तुम मत रहो, तुम जहाँ जॉब करना चाहते हो, अपने करियर को बढ़ाना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो इनके सपोर्ट से, मैं ये भी कहूँगी, इनको ये नहीं कहूँगी कि इनको दरकिनार करते हुए मैंने किया, इन्होंने सपोर्ट किया मुझे, फुली सपोर्ट किया। फैमिली ने, मॉम डैड भैया भाभी बच्चों ने, सब ने सपोर्ट किया। आई होप कि आने वाले टाइम में हम दोनों इकट्ठा हो जाएं, साथ में रहें। आप चाहती हैं इकट्ठा? मैं चाहती हूं। बट मीडिया तो यहाँ पे भी है, जब मीडिया है बॉम्बे आने का उतने स्कोप नहीं है। अच्छा, जितने दिल्ली में है। आप उस पीरियड में इनके से कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा मिस कर रही थी? इनकी प्रेजेंस को। हमारे इन दोनों कपल्स में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जो एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। कोई हालात होते हैं, मजबूरियां होती है, यू नो, जैसे इनकी जॉब की वजह से आपको जाना पड़ता है, अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से मैं वापस कहूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। और आज हम लोग लकी हैं कि इतने सारे हमारे पास चीजें हैं जिससे हम टच में रह सकते हैं। कम्युनिकेशन एफर्ट्स करना कि कहीं पे अपने पार्टनर को अकेला महसूस ना हो, उसकी स्ट्रेंथ बन के रहे, ना कि उसे ये फील कराते रहे कि यार मैं अकेली हूँ, या यू नो वीकनेस बन जाए। सो आप दोनों इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये स्ट्रेंथ और समझदारी और प्यार, इसको टेस्ट करने के लिए कुछ गेम प्लान है क्या अपने पास? मैं भी वही कहने वाली थी। है, बिल्कुल है। तो एक गेम हो जाए। चलिए, रेडी हैं आप? शर्मायन जी, ये गेम खेलना तो दोनों को है, लेकिन समझाया सिर्फ भाभियों को जाएगा, तो हमारे दोनों भाई साहब उस वक्त यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए गेम खेलते हैं, देखते क्या गेम है। हमने उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपके पतिदेव इसमें से क्या नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 20 करेले के जूस के शॉट्स नहीं पी पाएंगे। देखिए, वैसे भी आप एक दूसरों से दूर दूर रह के ऐसी चीजें एक दूसरों से करवाते हैं, यू नो, कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। हाँ। तो ये तो बहुत मामूली बात है, ये तो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे फास्ट जो ये 20 शॉट्स खत्म कर देंगे भाई साहब, वो होंगे हमारे आज के परफेक्ट विनर। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। घटाघट घटाघट, ओहो गिर गया। अरे ऐसे पी रहे जैसे शरबत पी रहे हो, अच्छा लगा क्या? वाह वाह वाह, इतना बुरा नहीं है यार मिस्टर देव, वेरी गुड। इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, वेरी गुड। आपने गिराया, एक एक गिराया था। शर्माइन जी, बताइए ना कौन विनर है? देखिए, वैसे तो बहुत चाव से दोनों हमारे भाई साहब ने जूस पिया है, लेकिन 2 सेकंड के डिफरेंस से जिन पतिदेव ने करेले के 20 शॉट्स जल्दी खत्म किए हैं, वो है मिस्टर महादेव। देव। तो आज के हमारे इस गेम के विनर और हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर मिसेस देव। जी शर्माइन, चलिए हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। सजाइए सजाइए, दुल्हन को पहले तैयार कीजिए। शादी में हम लोग सात फेरों के साथ साथ वचन लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ निभाते हैं। आज आपको यहाँ पे 8वां वचन लेना है। आज आपने हमारे साथ जो वक्त बिताया, आपको अगर कुछ लगे कि मैं मेरे पार्टनर के लिए कुछ आज से ये करूंगा या नहीं करूंगी, बस उसे 8वां वचन बना के कह देना है। मैं वचन देता हूँ कि जो तुम्हारा अभी एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है, उसको मैं एक चांस दूंगा आने वाली सीरीज में। ये वचन है मेरा 8वां तुमसे। वाओ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर रिलेशनशिप में, मैरिड हो या अनमैरिड हो, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। मैं कुछ मोमेंट्स पे ज़्यादा तंग करती हूँ, वो मैं थोड़ा कम कर दूँगी, ट्राई करूँगी। बट आप बताइए कि बेटी बड़ी होने के बाद बदलाव आया जो आपको पसंद नहीं है? ये अगर जब वो बाहर जाती है कभी, तो मैं उस पर टैब रखता हूँ कि नहीं बेटा, क्या मैं एक पिता के हिसाब से, तो वो उसे पसंद नहीं है। यू नो, इस एज में उन्हें ऐसा लगता है कि हम अभी बड़े हो गए, हम हमारा ख्याल रख सकते हैं। मतलब वो ये नहीं समझते कि बेटा अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हो कि आप आपका ख्याल रख पाओ। माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही होते हैं। राहुल भाई साहब को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो फटाफट कर रहे हैं। भाभी जी बकअप करवाइए उनको। चलिए चलिए, हो गया, हो गया, पहला हो गया, पहला हो गया, रखो रखो, जल्दी करो, फटाफट करो।